तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या बताओ। लिस्ट मिल गई, मैंने कहा था ना कि यहीं पे होगी। अच्छा मैं निकलती हूँ, मुझे सामान भी लेना है। कितना सोचते हो ना मेरे बारे में, कितना ख्याल रखती हो मेरा। सच कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अब मुझे इस बात की तय तक पहुंचना होगा। दुर्गा को जरूर कोई बात परेशान कर रही है। अच्छा शादी में अब सिर्फ दो ही दिन बाकी है। मिस्टर खन्ना कुछ और पता चला? एक बात तो तय है कि वो एक मेल मामी है, पर जो बात मुझे हैरान कर रही है वह है उसकी मौत का तरीका। क्यों? इस बच्चे की तो हत्या की गई थी। हत्या? इतने छोटे से बच्चे की हत्या? लेकिन क्यों? वही तो हम भी अभी तक नहीं जान पाए, मगर हाँ इतना जरूर है उस जगह के साथ कोई ना कोई डर जरूर जुड़ा हुआ है, और उस बच्चे के साथ भी। और इसी डर से लोगों ने उस बच्चे को मारकर जमीन के अंदर दफन कर दिया। परंतु शैतानी शक्तियों को जमीन के अंदर दफन करके रखना असंभव है, क्योंकि ये शक्तियां हर एक मौके पर अपना सर उठा सकती हैं। और आज ये मौका 2000 साल बाद आया है। वो बच्चा वापस आ गया है। कम से कम लोगों को उस इमारत को जमीन के अंदर ही रहने देना चाहिए था। कमाल की बात तो यह है कि 2000 साल पहले लोगों ने ही उस इमारत को जमीन के अंदर दफन किया था, और आज लोगों ने ही उसे बाहर निकाला। तिमिर ने तो मात्र उनकी सहायता की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नाम पर जो खुदाई इन लोगों ने की है बहुत बड़ी भूल की है। अनजाने में इन लोगों ने अपने महाविनाश को आमंत्रित किया है। महाविनाश महाविनाश महाविनाश, महाविनाश।